अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे। उसके लिए एक बोल में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 अंडे की सफ़ेदी। हम यहाँ पर 250 ग्राम चिकन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए सफ़ेदी डाल रहे हैं। आप अगर 500 ग्राम चिकन यूज़ कर रहे हैं तो पूरा अंडा डालें। हम इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल देंगे 1/2 टीस्पून भरकर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर यानी कि सूखे हुए लहसुन का पाउडर, ये जगह पर आप 1/2 टीस्पून फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट बनाकर, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हम यहाँ 1/2 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डाल देंगे, एक टाइम पे 1 टेबलस्पून, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स किया है हमने, बस 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है इसमें। हम इसमें चिकन डाल देंगे, 250 ग्राम चिकन यूज़ किए हैं हमने, जिसके इस तरह से पतले और लंबे स्ट्रिप्स किए हैं। चिकन को अच्छी तरह से धोकर हमने इसे सुखाया है, चिकन में ज़्यादा पानी ना रखें। अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। चिकन को मैरिनेट करते 1/2 घंटा हो चुका है। हमने यहाँ पर पैंको ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं जो हमने घर पर बनाए हैं, इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है। इससे हमारे जो चिकन स्ट्रिप्स हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। चिकन के पीसेस को उठाकर हम इस तरह से पैंको ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया और बाद में फ्लेम को लो कर दिया है। हम लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन कच्ची है, एकदम से हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो पहले तेल को गर्म करें और बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इन्हें फ्राई करें। एक साइड से 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इन्हें पलटाएंगे और बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे।